हे गाइस, इज अनुकृति। तो आज हम बनाने वाले हैं जॉली रैंचर लॉलीपॉप का डायगनल कैंडी और ये है ग्रीन एप्पल फ्लेवर का। और पता है हमने ये लॉलीपॉप क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि इसका ना कलर कितना ज़्यादा प्रीटी है। आप बताओ कि आपका फेवरेट लॉलीपॉप कौन सा है? अगर लॉलीपॉप कौन सा भी पसंद है, उसमें फेवरेट फ्लेवर कौन सा है? आई जस्ट होप कि इसका डायगनल कैंडी ना अच्छा बन जाए, क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा प्रीटी कलर था। इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया, बस आई वॉन्टेड कि ये कलर जो था ना ग्रीन, मस्त प्यारा सा ग्रीन कलर, वो रहता ही। लेकिन फिर भी हो, लेकिन अच्छा ही बना। लाइट हो गया, बेकिंग सोडा डालने के बाद काफ़ी ज़्यादा लाइट हो गया। बस ये मेल्ट काफ़ी अच्छे से हो गया था। हमने ना स्टिक रहने दिया उसी में, क्योंकि लॉलीपॉप का स्टिक तोड़ देते पहले तो वो लॉलीपॉप कहाँ रहता, वो तो नॉर्मल कैंडी बन जाता ना। इसीलिए हमने लॉलीपॉप को स्टिक के साथ ही मेल्ट किया। और देखो कितना अच्छा डायगोनल कैंडी बन गया हमारा, और अच्छे से पेपर से भी निकल गया। आई जस्ट वॉन्ट इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्लॉसी और सुंदर बना है। एंड जस्ट लुक एट दिस स्टार, आई जस्ट होप कि अच्छा बनते हैं। टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है। और पता है क्या, ये देखने में इतना अच्छा, बहुत ज़्यादा हल्का, बहुत लाइट वेट था। और पता है तोड़ने में बहुत अच्छे से टूट भी गया, और खाने में भी बड़ा अच्छा था। आप कमेंट में बताओ कि आपको नेक्स्ट डायगनल कैंडी किसका देखना है। ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।